उस गांव में रहने वाले मासूम बच्चे तालाब में नहाने गए थे, लेकिन अचानक बढ़े पानी ने सभी की जिंदगी छीन ली। जी हाँ, तालाब में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इलाके में मातम फैलाता ये मामला रायबरेली के गदागंज थाना इलाके के मंगता डेरा मजरे बासी रियायत गांव का है, जहाँ रहने वाले 5 मासूम बच्चे पास के तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान ये 5 बच्चे गहरे पानी में चले गए। बस क्या था, तालाब का पानी मानो जीवधारी हो गया और उसने 5 बच्चों की जिंदगी को निगल लिया। जी हाँ, तालाब के गहरे पानी में पहुँचते ही बच्चे डूबने लगे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता 5 बच्चे पानी में डूब ही गए। डूबने वाले बच्चों में 1 लड़का और 4 लड़कियां हैं। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुई 8 साल की रितु, 10 साल की सोनम, 12 साल की वैशाली, 9 साल की रूपाली और 8 साल का अमित है। काबिले गौर है कि ये सभी बच्चे अलग अलग परिवारों के हैं। 5 बच्चों की मौत से 5 परिवारों के साथ साथ पूरे गाँव में कोहराम मच गया। कुछ देर में ही मौके पर पुलिस आला अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए और सभी ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत कराया। वहीं अधिकारियों ने मृतक के परिवारों को मुआवजा दिलाने का भी ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बच्चों की लाशों का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जिस तरह एक ही गाँव के 5 बच्चों की मौत हुई उससे पूरे गाँव में कोहराम जरूर मच गया। रायबरेली से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ मोहम्मद सुहैल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।